हमारे वाले गांव की जनसंख्या 12,000 है, मगर हमारे गांव में साइबर कैफे नहीं है। मुझे इसके लिए जेजुरी जाना पड़ता है। जेजुरी जाने के लिए बस ज़्यादा ना होने के कारण अगर साइबर कैफे जाना हो तो कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है। मुझे साइबर कैफे में जाने के लिए 20 रुपये टिकट के लिए लगता है और इंटरनेट में हर घंटे का 30 रुपये चार्जेस लेते हैं। साइबर कैफे में ज़्यादातर लड़के लोग रहते हैं। कोई अपने ऑफिस के काम करता है तो कोई मोबाइल में गाने भरना या गेम खेलने का काम करता है। जास्त कोणते वयोगटातले माणसं सायबर कॅफेमध्ये येतात? साधारणतः 25 ते 30। आणि ते काय करतात सरासरी आल्यावर? म्हणजे ऑफिशियली काम करतात की ऑफिशियली काम असतात, प्लस म्हणजे कोणाशी मेल पाठवायचे काम असतात, इंटरनेटचं नॉलेज म्हणजे कुठं नोकऱ्या आहेत, अवेलेबिलिटी जॉबसाठी, सरकारी नोकऱ्यांसाठी, त्यासाठी मध्ये सर्चिंगसाठी बरेचसे जण येतात। महिलांची संख्या किती असते सरासरी? सरासरी म्हणजे रोजच्या कस्टमरच्या मागे जर धरली तर एक 15-20% महिलांची संख्या असते। मुझे लगता है साइबर कैफे एक अच्छा साधन है जो कम पैसे में लोगों के काम कर जाता है। ग्रामीण भाग में बहुत से लोगों के घर में कंप्यूटर नहीं होता तो वो साइबर कैफे में जाके सीखते हैं और यूज करते हैं। साइबर कैफे में बिजली का बहुत प्रॉब्लम है। अगर बिजली नहीं हुई तो बिजली आने तक 2-3 घंटे रुकना पड़ता है। इंटरनेट की भी रेंज हमेशा चली जाती है, कभी कभी पूरा दिन रेंज आती ही नहीं। इससे सब लोगों को बहुत परेशानी होती है।